देश भर में भले ही कोरोना के कारण जीवन की रफ्तार कुछ धीमी पड़ती नजर आ रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में लगी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को 11,427 करोड़ रुपये योजनाओं की सौगात दी, जिसमें से करीब 3,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के लिए हैं। कुल 1361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन इस कार्यक्रम में किया गया। साथ ही इंदौर से सनावत सड़क के लिए 3,000 करोड़ की मंजूरी भी दी है। इसके अलावा इंदौर से खलघाट 4 लेन सड़क को 6 लेन करने की मंजूरी मिली है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि आज इंदौर के लिए ऐतिहासिक दिन है। इंदौर को बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सांसद ने कहा कि मुंबई तक पहुंचने में जैसे अब समय बेहद कम लगता है, वैसे ही अब देवास से ब्यावरा तक हाईवे बन जाने से आगरा होते हुए दिल्ली तक पहुँचना आसान हो जाएगा। इससे इंदौर को फायदा होगा। इसी तरह इंदौर से बैतूल 4 लेन राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों के निर्माण हेतु भूमि पूजन आज किया गया है। ये सड़क राष्ट्रीय महत्व की है, क्योंकि ये देश के पश्चिमी हिस्से यानी पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद को इंदौर, नागपुर, रायपुर होते हुए कोलकाता से जुड़ेगी। ये दोनों सिरे बंदरगाह भी है और इससे इंदौर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही सांसद ने झालावाड़ से उज्जैन सड़क को 4 लेन करने की मांग भी की थी, जिसे नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है। अब कोटा, उज्जैन, इंदौर, अकोला, ऐदलाबाद होते हुए ये सड़क अहमदाबाद तक जाएगी। सांसद ने 12 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इंदौर के लिए कई मांगे रखी थी, जिसमें से कई मांगों को आज मंजूरी मिल गई है। इंदौर भौगोलिक तौर पर लगभग देश के मध्य में है। सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी बेहतर होने से सबसे ज्यादा फायदा भी इंदौर को ही होगा। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। जो आपने मांग करी थी इंदौर से झालावाड़, उज्जैन से झालावाड़, और ये मांग इसलिए करी थी कि कोटा से लेकर जो अकोला तक रोड जा रहा है, इसमें ये टुकड़ा छूट गया था। आज इन्होंने घोषणा की, उसकी DPR बनाने की घोषणा की है और बनाने की घोषणा की है। तो कोटा से लेकर इंदौर तक देवास होते हुए और इंदौर से आगे का माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है। दूसरा, इंदौर से सनावत के लिए 3,000 करोड़ रुपये की उन्होंने घोषणा की है। ये वो रोड है जो सनावत से आगे हमारा अकोला जाके मिलेगा और अकोला से आगे नेशनल हाईवे हैदराबाद तक है। हमने ये भी मांग की थी कि इंदौर में लॉजिस्टिक अब होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यहाँ से शुरू हो रहा है। आज हमने देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग की कि अगर हमें ज़मीन मिल जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो इंदौर में शुरू हो जाएगा। खलघाट में जहाँ बार बार एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए भी 4 लेन को 6 लेन करने की उन्होंने घोषणा की है। इस प्रकार ये जो इंदौर से इंदौर के आसपास जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे, उन्होंने घोषणा की है। सांसदों के लिए 350 करोड़ रुपए का उन्होंने रखा है प्रावधान, और 350 करोड़ प्रदेश के अन्य जिलों के लिए उन्होंने प्रावधान रखा है। तो निश्चित तौर पर हम इंदौर के सभी विधायकों से संसद के साथ बैठ के क्या हो सकता है वो हम प्रपोजल उनको देंगे। मध्य प्रदेश के लिए एक विकास प्रगति की सौगात का दिन है। मध्य प्रदेश का समग्र विकास कभी संभव नहीं है, जबकि सड़कों का विकास और परम श्रद्धे देश के केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नितिन जी ने, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने और मध्य प्रदेश के इतने हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, सभी सांसद, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और आभार मानता हूँ कि आज मध्य प्रदेश का एक संकल्प, मध्य प्रदेश का एक सपना जो मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने जो देखा था वो पूरा, क्योंकि सड़कों का जाल जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, मध्य प्रदेश का हर दिशा में ये विकास और प्रगति की बुनियाद रखेगा और विकास में नई गति मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व देगा। वो व्यापक रूप से विस्तार पूर्वक सारी योजनाओं की जानकारी हमारे सम्मानीय लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी ने आपको दे दी। हम दोनों का समन्वय, दोनों का सामंजस्य, जो जिज्ञासा थी, एक नई मांग जो
सांसद जी ने रखी थी वो भी सदे नितिन जी ने उसको मंजूरी, और मैं इंदौर के साथ मध्य प्रदेश के साथ सांवेर की ओर से भी ब्रह्म सदे केंद्रीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने दो तीन योजनाओं का उल्लेख अभी केंद्रीय मंत्री जी ने हमें जो सौगात दी है उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।